कहते हैं ना, जब आप में हौसला हो और किसी चीज की इच्छा हो तो आप उस इच्छा को कभी भी पूरा कर सकते हैं। दरअसल ये कहानी तमिलनाडु के तूतीकोरिन के एक हेयर ड्रेसर पी पोन मरियप्पन की है। बचपन से ही उनको पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनकी पढ़ाई के बीच में गरीबी अड़े आ गई और वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। सो पढ़ने की आदत को उन्होंने अपने सैलून को लाइब्रेरी में तब्दील करके पूरा किया। दरअसल पी मोन मरियप्पन ने स्कूल छोड़ने के बाद सैलून कारोबार शुरू किया और अपने शौक को भी जिंदा रखा। शौक को जिंदा रखने के लिए उन्होंने किताबें रखनी शुरू कर दी। उनके सैलून में 850 से ज्यादा किताबों का कलेक्शन है और कमाल की बात है कि किताब पढ़ने और फीडबैक देने वाले ग्राहकों को वो 30% डिस्काउंट भी देते हैं। पोन मरियप्पन कहते हैं कि मुझे ऊंची शिक्षा हासिल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि किताबें आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जरिया होती है। इसलिए मैंने किताबें इकट्ठा करना शुरू किया और स्कूल स्टूडेंट्स और युवाओं को इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों से हेयर कटिंग के लिए बारी आने के इंतजार के दौरान किताब पढ़ने के लिए कहते हैं। हालांकि सेलफोन पर व्यस्त रहने वाला युवा वर्ग कई बार पोन मरियप्पन की इस बात से नाराज भी हो जाता है। एक ग्राहक का तो कहना है कि आजकल के युवा किताबों से दूर होते जा रहे हैं और स्मार्टफोन पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं। युवाओं को किताब पढ़ने की आदत दिलाने के लिए पी मोन मरियप्पन की ये अच्छी पहल है। मोन मरियप्पन ने 6 साल पहले 250 किताबों का कलेक्शन तैयार किया था और अब उनके पास करीब 850 किताबें हैं। इनमें से अधिकतर तमिल में हैं और इंग्लिश में कुछ महान नेताओं की जीवनी है। अपनी इस नेक पहल के लिए कई लोग उनकी तारीफ कर चुके हैं। पोन मरियप्पन के पसंदीदा लेखक ए रामकृष्णन ने भी उनके इस प्रयास की तारीफ की है, जबकि सांसद कनीमोझी ने उन्हें 50 किताबें दान की। पी मोन मरियप्पन जैसे लोग ही हमारे समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हैं और साबित करते हैं कि यही है माय इंडिया माय ड्यूटी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।